हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, अपने आज के एनालिसिस शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जैसा कि हम निफ्टी के पास आते हैं, तो निफ्टी में दोस्तों आज आप देख पा रहे होंगे कि आज नहीं, पिछले 2-3 दिनों से सिर्फ हमें एक रेंज बाउंड मिल रही है। ठीक है, अराउंड थर्सडे की नाइट, थर्सडे से हमें सिर्फ एक निफ्टी ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने के बाद सिर्फ एक रेंज बाउंड में दिख रहा है। ठीक है, और इसी में कहीं ना कहीं अ काइंड ऑफ ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है दोस्तों, ये ऑल टाइम हाई के पास अपने। बट दोस्तों, इससे हमें एक क्लियर ट्रेंड की डायरेक्शन नहीं पता लग पा रही। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हम निफ्टी के लिए आगे हमारी रणनीति क्या रहनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, एक निफ्टी के लिए ना ये बहुत एक क्रूशियल सपोर्ट जोन है। ठीक है, इस क्रूशियल सपोर्ट जोन के ऊपर आप इसको मतलब निफ्टी को पॉजिटिव ही देखेंगे जब तक इसको सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता। ठीक है दोस्तों, बट मार्केट में मैं आपको अभी सजेस्ट करूंगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को आप ट्रेड ना करें, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि दोस्तों, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने के बाद ना एक बहुत ही बुलिश मोमेंटम दे चुके हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी करेक्शन में आना जरूरी था, तो वो करेक्शन में आ चुके हैं। ठीक है, और हमारे कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो बुलिश मोमेंटम दे रहे हैं, तो उसके वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में ना दोस्तों साइडवेज मोमेंटम आ चुका है। ठीक है, इसका मतलब कि या तो बायर्स या सेलर्स दोनों में से कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए। दूसरा आपका एक जो पॉइंट हो सकता है वो है कि मार्केट में बुल्स और बेयर्स दोनों इस समय बहुत ज़्यादा हैवी हैं। ठीक है, हावी हैं एक दूसरे पे, तो हमें जिस तरफ भी इस रेंज का ब्रेकआउट मिले हम उस तरफ पे ट्रेड एक ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो निफ्टी के अंदर दोस्तों हमारा एक सपोर्ट जोन के अलावा इस समय तो मैं आपको कोई अपर लेवल सजेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, अगर निफ्टी इसके नीचे आता है तो हम एक अच्छा खासा पुट साइड का ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं और निफ्टी में अच्छा खासा टारगेट देख सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं हमारे अगले इंडेक्स पे जो कि बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी आप दोस्तों सेम एज इट इज, जैसे निफ्टी साइडवेज मोमेंटम में घूम रहा है, बैंक निफ्टी भी साइडवेज मोमेंटम में ही घूम रहा है आप देखेंगे तो। ठीक है, और आप एक चीज नोटिस करेंगे इसमें तो मार्केट 3 दिन से सिर्फ इसी रेंज के अंदर अप एंड डाउन खेल रहा है। ठीक है, बहुत लोगों ने इसमें कॉल ऑप्शन भी लिए, बहुत लोगों ने पुट ऑप्शन भी लिए। ठीक है, और दोनों में इसमें सिर्फ ऑप्शन सेलर्स का फायदा हुआ। ठीक है दोस्तों, तो बैंक निफ्टी को भी दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा कि थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं आप, बट बैंक निफ्टी के अंदर आप कहीं ना कहीं एक छोटी सी स्केल्प अपॉर्चुनिटी इजिली ढूंढ सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे ये अपने जैसे ही रेजिस्टेंस जोन पर आया, ठीक है, थोड़ा सा होल्ड हुआ, फिर उसके बाद नीचे, तो आप इसमें एक छोटा अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते थे। इसमें आप देखिए मोमेंटम दिया, थोड़ा सा होल्ट हुआ, फिर उसके बाद एक वापस इसमें एक आपको स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिल गई। ये वापस से यहाँ पे अपने सपोर्ट जोन पे आया, फिर एक अपॉर्चुनिटी आपको स्कैल्पिंग की मिल गई। तो दोस्तों, ये जब तक एक साइडवेज मोमेंटम में है ना, तो आप इसमें स्कैल्प अपॉर्चुनिटी के अलावा कोई बड़ा टारगेट या फिर उसकी वेट मत करिए। ठीक है, क्योंकि ये जो इसका साइडवेज जोन का रेंज है, ठीक है, वो अराउंड 523 पॉइंट्स के, दोस्तों काफ़ी बड़ी रेंज में ये साइडवेज मोमेंटम में घूम रहा है। ठीक है, अराउंड 1.5% के करीब में, तो इसका ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे ही हमें इसका ब्रेक मिलेगा जब ही हम इसके अंदर ट्रेड करेंगे, वरना इसमें सिर्फ आप अगर रिस्की ट्रेडर हैं, ठीक है, तो रिस्क इज इक्वल टू रिवॉर्ड। अगर आप रिस्क ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप इसमें एक अच्छी खासी छोटी सी स्कैल्प की अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों, अब आते हैं हमारे एक स्टॉक, हमारे स्टॉक्स की लिस्ट पे। तो सबसे पहला स्टॉक है हमारा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में आप दोस्तों देखेंगे तो मार्केट एक रेंज बाउंड में घूम रहा है। ठीक है, एक रेंज बाउंड में इसने यहाँ पे इसको ब्रेक करने की कोशिश करी थी। ठीक है, बट बुल्स इतने स्ट्रांग थे कि इन्होंने वापस इसको इस रेंज में लाके फेंक दिया। ठीक है दोस्तों, तो कल हो सकता है कि हमें इसका एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिले। ठीक है, और ब्रेकआउट के बाद दोस्तों हम इसमें एक अच्छा खासा 1:2 का टारगेट तो इजिली अचीव कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो ऊपर की तरफ ब्रेक दे, चाहे वो नीचे की तरफ, नीचे की तरफ अगर उसको वो ये स्टॉक आएगा तो दोस्तों इसको अराउंड आपका 1.5% तक ट्रेवल करना पड़ेगा, उसके बाद ये नीचे आएगा, तो उसमें भी दोस्तों आपको थोड़ी सी विनिंग प्रोबेबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर इसमें ऊपर की तरफ आपको मोमेंटम दिखता है तो आप अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, बट अगर नीचे की तरफ भी बैंक निफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है, सारे सेक्टर्स भी नेगेटिव है, तब भी तब आप इसमें एक्सिस बैंक में भी नेगेटिव साइड बहुत अच्छी खासी देख सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं हमारे अगले स्टॉक पे जो कि है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको जूम आउट करता हूँ उसको। जी, ये देखिए,
आपको इसमें क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पर आपका पूरा पैटर्न बताता हूँ क्या हो रहा है, जिसकी वजह से आप समझ पाएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको कुछ लर्निंग चीज़ें मिलेंगी, सीख सको जिससे आप कुछ, ठीक है। आप ये देखिए, डॉक्टर रेड्डी एक बहुत अच्छे रेंज में घूम रहा था, ठीक है। तो उसके बाद इसने इसमें बहुत अच्छा ब्रेक दिया, अराउंड 12-13% का दोस्तों ये वो था डाउनफॉल। उसके बाद दोस्तों अब ये एक पैटर्न बना रहा है जिसका इसने ब्रेक ऊपर की तरफ दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, ठीक है, अब इसने इसका ब्रेक दे दिया है। तो दोस्तों कल हम इसमें कहीं ना कहीं एक छोटा सा रीटेस्ट की वेट करेंगे कि छोटा सा हमें रीटेस्ट मिल जाए, ठीक है। और जैसे ही छोटा सा भी रीटेस्ट मिला, हम इसमें डायरेक्टली इसको बाय करेंगे, ठीक है। और एक अच्छा खासा इंट्राडे का टारगेट तो आपको डॉक्टर रेड्डी में अचीव होने वाला है। दोस्तों अगर आप डॉक्टर रेड्डी को स्विंग के लिए भी होल्ड करते हैं ना, तो स्विंग में भी आपको इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब हो सकती है, ठीक है। और आप इसके उसका प्रीवियस हाइज तक आता हुआ देख सकते हैं। तो दोस्तों डॉक्टर रेड्डी को भी कल अपनी वॉच लिस्ट में जरूर बना के रखिएगा, क्योंकि आपको इंट्राडे में तो ये बहुत अच्छा खासा टारगेट कल देने वाला है। दोस्तों अब आते हैं हमारे अगले स्टॉक पे, जो कि ग्रासिम, ग्रासिम इंडस्ट्रीज में। दोस्तों आप इसमें, मैं आपके लिए थोड़ा पीछे से आगे दिखाता हूँ, तो एक ही ट्रेंड लाइन है जो कि बहुत अच्छी रिस्पेक्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ देखेंगे आप, फिर उसके बाद यहाँ पे कहीं पे थोड़ा सा ब्रेक मिला था इसको, पर मार्केट वापस ऊपर की तरफ सस्टेन कर गया। अब दोस्तों मार्केट हमारे, मैंने आज भी इंस्टाग्राम पे अपने स्टेटस लगाया, ठीक है, स्टोरी में आप पढ़ पाएंगे कि मार्केट को ना कभी जज नहीं कर सकते आप, ठीक है। मार्केट को समझने की कोशिश करिए। अब ये नहीं कि मैंने एक ट्रेंड लाइन बना दी तो मार्केट को इसके हिसाब से चलना पड़ेगा, कि अब अमन ने ये ट्रेंड लाइन बनाई है तो इसी के हिसाब से चलिए, ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं होता। अब आप इसमें ये देखेंगे कि मार्केट बार बार एक ये इसके लिए क्रूशियल सपोर्ट जोन है, ठीक है। इस क्रूशियल सपोर्ट जोन पे मार्केट बार बार आके एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम दे रहा है। तो दोस्तों अब ये वापस आप देखेंगे तो ये वापस अपने सपोर्ट जोन पे आके खड़ा हो चुका है, ठीक है। तो इसमें कल मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है, हाई प्रोबेबिलिटी कि इसमें एक आपको अच्छा खासा वापस से पॉजिटिव साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आप देखेंगे तो यहाँ पे कैंडल्स भी रिजेक्शन की बन रही है सपोर्ट जोन पे, ठीक है। तो कल दोस्तों आपको इसको बाइंग, इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, और एक अच्छा खासा इंट्राडे का टारगेट तो आप इसमें अचीव कर जाएंगे, क्योंकि आपको जो स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों वो एग्जैक्ट इसके नीचे रहेगा। पर अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलता है, मार्केट कहीं यहाँ पे या यहाँ पे खुल जाता है, तो आप उसमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि मार्केट, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि अब स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे, तो अगर मार्केट यहाँ खुल रही है तो स्टॉप लॉस यहाँ रख के फायदा है दोस्तों कुछ? दोस्तों ये सब कॉमन सेंस की चीज़ें होंगी कि अगर आप यहाँ मार्केट यहाँ खुल रही है, आप अगर स्टॉप लॉस यहाँ लगाओगे तो वो बहुत बड़ा टारगेट आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन ही नहीं हो पाएगा। तो इसमें आप एक, अगर गैप अप ओपन होता है तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, उस रिट्रेसमेंट के जस्ट नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के फिर एक अच्छा खासा मोमेंटम चेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ग्रासिम को भी अपनी वॉच लिस्ट में जरूर बना के रखिएगा आप कल। दोस्तों अब आते हैं हमारे आखिरी स्टॉक पे, जो कि आज 12% तक नीचे गिर गया, ठीक है, नेशनल एल्यूमिनियम। अब नेशनल एल्यूमिनियम में हमारी क्या एनालिसिस थी, किसके वजह से वो नीचे गिरा, ये देखिए। नेशनल एल्यूमिनियम साइडवेज मोमेंटम दे रहा, मतलब एक रेंज में अप डाउन, अप एंड डाउन हो रहा था सपोर्ट जोन पे और रेजिस्टेंस जोन पे ही घूम रहा था ये दोस्तों, ठीक है। अब इसने अपने इस सपोर्ट जोन को तोड़ दिया दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद इसने एक हमें खासा फॉल तो दिया, पर दोस्तों अगर हम इन ट्रेंड लाइंस को हटाएंगे, मैं इनको हटा देता हूँ जरा, ठीक है, मैं इसको तो, खैर इसको तो कोई जरूरत भी नहीं हटाने की। आप देखेंगे तो यहाँ पे ये क्रूशियल सपोर्ट जोन का काम कर रहा है नेशनल एल्यूमिनियम के लिए, और मार्केट बार बार यहीं से आके एक बाउंस बैक ले रहा है, ठीक है। मार्केट बार बार जब भी यहाँ पे आ रहा है तो एक बाउंस बैक हमें अच्छा खासा देखने को इसके अंदर मिल रहा है। अब मार्केट के अंदर दोस्तों हमें वापस से एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बाइंग के साइड मिली है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है, ठीक है, कल, तो हमें बाइंग साइड में बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आप दोस्तों इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में जरूर बना के रखिएगा, क्योंकि कल ही आपको कहीं ना कहीं इंट्राडे में तो बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम देने वाला है। और जो दोस्तों अपना स्टॉप लॉस आप रखेंगे वो बिलो इस सपोर्ट जोन के रखेंगे, और अपना फर्स्ट टारगेट 1:1.5 का रखेंगे दोस्तों, और सेकेंड टारगेट 1:2 का दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के स्टॉक्स। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, जिसमें हम लाइव मार्केट के अपडेट्स देते रहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे लिंक में डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, जिसमें मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखा है, आप उस पर क्लिक करके हमारे चैनल पर ज्वाइन
हो सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।